आइए एक भाव उस समय का कि जिस समय गुरु मच्छिंद्रनाथ अपने शिष्य गुरु गोरखनाथ जी को कहते हैं, बेटा तू नगर में जा और भिक्षा लेके आ, हमें बड़ी भूख लगी है। तो गुरु गोरखनाथ पास के एक शहर में पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि एक सेठ जी के यहाँ भोजन ग्रहण कराया जा रहा है। तो सेठानी को कहते हैं, माँ हमारे गुरुजी यहाँ से कुछ दूरी पर बैठे हैं, कुछ खाने की व्यवस्था हो जाएगी। तो सेठानी ने बड़े प्रेम से भोजन दिया और गुरु मच्छिंद्रनाथ के पास गुरु गोरखनाथ जी लेके चले गए। अब गुरु मच्छिंद्रनाथ जी ने बड़े प्रेम से भोजन पाया और भोजन पाके कहने लगे, बेटा गुरु गोरखनाथ अभी हमें तृप्ति नहीं हुई, अभी हमें और भोजन चाहिए। अब गुरु गोरखनाथ जी फिर वहीं पहुंच गए जहाँ से पहले भिक्षा लेके आए थे। अब जैसे ही सेठानी ने देखा तो मोटे को कहने लगी, अरे अभी तो भिक्षा लेके गया था, फिर दोबारा लेने आ गया। तो गुरु गोरखनाथ जी और वो सेठानी के क्या सवाल जवाब होते हैं, भजन बड़ा प्यारा, आइए सुनिएगा भजन के माध्यम से। और सेठानी कहती है, सुन मोटे, और मोटे फिर दोबारा आया और मन में बिल्कुल ना शर्माया, और लगे मने और आदत से लाचार, काट दियूं धक्के दे के मार, काट दियूं ए मैं धक्के दे के मार। गुरु गोरखनाथ जी कहने लगे, माँ ए मन ने गुरु की आज्ञा पाई, री जल्दी भिक्षा दे दे माई, करे मने मत ज्यादा लाचार, भरेंगे शिव शंकर भंडार, भरेंगे शिव शंकर भंडार। और कैसे दोनों के सवाल जवाब हो रहे, बड़ा खूबसूरत भाव सुनिएगा। मोटे फिर दोबारा आया मन में बिल्कुल ना शर्माया, मोटे फिर दोबारा आया मन में बिल्कुल ना शर्माया, ओ लगे मने आदत से लाचार, काट दियूं
सारी